तो इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे तुमने कभी इंस्टाग्राम रील पे तो कभी देखा ही नहीं होगा। जितने भी एनिमे फैंस आज तक तुमने देखे होंगे उसमें से टॉप लिस्ट में ये आ सकता है, क्योंकि मतलब ये बोल नहीं सकता है फिर भी ये एनिमे से जुड़ा हुआ है और उसे एक्सप्लेन करना चाहता है जिस तरह से भी ये कर सकता है, अपना फीलिंग्स बताना चाहता है उसके बारे में। साथ ही साथ वो एक आर्टिस्ट भी है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर तुम इसे फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन रील देखने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उसका नाम क्या है और बाकी कुछ कुछ मतलब थोड़ा बहुत डिटेल। तो चलो पहले उसे देख लेते हैं। ओके युवा नाम है, थोड़ा अजीब लग सकता है मगर यही नाम है। तो चलो अब इसके कुछ हम लोग आर्ट्स देखते हैं और तुम लोग भी बताना कि कैसा लगा इसका फैन आर्ट्स। काफ़ी ज़्यादा मस्त बनाया था, पर वो शायद सुजुमे का था क्या? जितना कि हमको लगा वो सुजुमे का ही था, बाकी पता नहीं आज। इनसुके का बना रहे, काफ़ी मस्त है, समझ रहे, बोल नहीं सकता है लेकिन अपने हाथों से कितना अच्छा ड्राइंग बना रहा है, मतलब क्या ही नेक्स्ट लेवल का डिटेलिंग सब कुछ के साथ। कोनिचिवा क्या बन रहा है? ओ सांची, जैपनीज सबटाइटल के साथ इंग्लिश सबटाइटल भी रहता ज़्यादा अच्छा दिखता, थोड़ा समझ में आता, लेकिन सही है। इस बार क्या बन रहा ऐसा लगता है कि वन पीस का बहुत ज़्यादा बड़ा फैन है क्योंकि हर कैरेक्टर वन पीस का ही बना रहा है। और हाँ, ये हम भी कर सकते हैं, चलो एक साथ करते हैं, ठीक है। जोरो, ओ कितना अलग अलग तरीका का बना रहा है यार। काफ़ी मस्त है, अलग अलग तरीका से बना रहा है, जिस तरह का सभी चाहता है, कुछ फनी है, कुछ सीरियस एकदम मस्त सा दिखने वाला, और इसका ये एक्सेंट मस्त लगता है। ये बस मेरा राइट साइड का नहीं होता है, पता नहीं क्या है, किसी किसी का दोनों साइड का आईब्रो उठता है, मेरा बस लेफ्ट साइड का आईब्रो उठ रहा है। हाँ तुम भी थोड़ा यूनिक हो क्या, या लेफ्ट या राइट का आईब्रो उठा सकते हो ऊपर, टैलेंट है मेरा अंदर भी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये तो डिटेक्टिव कोनन का बना रहा है शायद। ज़्यादा मस्त है, कितना अच्छा दिख रहा है, ऐसा लगता ही नहीं कि हाथ से बनाया हुआ, ऐसा लग रहा है प्रिंटर से प्रिंट करके बिल्कुल निकाला गया। इतना अच्छा डिटेल और कलर कॉम्बिनेशन के साथ बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कितनी आसानी से बना के दिखा रहा है। अब यहाँ क्या बनेगा? ओ, ये मकड़ी वाला डीमन, ये कौन सा रैंक है ये हमको नहीं पता, इसलिए मकड़ी वाला डीमन बोल रहे हैं वो। अब ज़्यादा सही है वो, ये सारा फैन आर्ट जो अभी तक के बनाई है और भी काफ़ी सारे चीज़ का, मतलब एनिमे से हट के भी काफ़ी और चीज़ का भी ड्राइंग बनाता है। नहीं, एनिमे का कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, कुछ बना रहे
अच्छा है। कितना सारा डिटेल के साथ, कितना मस्त लग रहा था। तुम सोच रहे हो बार बार हमें यही रिपीट क्यों कर रही कि अच्छा लग रहा है, मस्त है, क्योंकि है। अगर तुमने कभी ड्राइंग नहीं बनाई तो एक बार ड्राइंग बना के ट्राई करना, एनिमे का किसी भी एनिमे का कैरेक्टर को चुनना, उसका स्केच बना के देखना, देखो कितना मुश्किल होता है, कितना फालतू दिखता है, और समझो ये कितना अच्छा बना रहा है। मस्त है। कितना अच्छा था। इसे ड्राइंग बनाने के साथ साथ ही वो जो मशीन से आता है जिसके ऊपर तुम कपड़ा से, अलग अलग कपड़ा कलर से तुम बुन के कुछ बना सकते हो, वो भी आता है, और कितना अच्छा दिखता है। एक साथ कितना सारा टैलेंट है इसके अंदर, और तुम भी टैलेंट का कदर करते हो इसका, तो ये उसका इंस्टा आई डी, वहाँ जाके तुम इसको फॉलो कर सकते हो। अब चलो इसके आगे कुछ और भी मज़ेदार फैन आर्ट्स देखते हैं। इस बार क्या बनने वाला है? ओ तांजीरो, बनाने में काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। आधा बन के तैयार। डिटेल डालने के बाद और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये तांजीरो बन के हो चुका है तैयार, और तुम्हें भी अगर इसके फैन आर्ट्स पसंद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, और इसी तरह के और फैन आर्ट्स, साथ में इसका लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ स्पेशल मोमेंट क्या चल रहा है वो सब देखना चाहते हो, तो उसका इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसे फॉलो कर सकते हो। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और मुझे कोई अभी देगा भी नहीं। समझ रहे हो कि कितना टैलेंट होगा इसके अंदर, बोल नहीं सकता वो अलग बात है, लेकिन अपने हाथ से वो टैलेंट बना के दिखा सकता है कि क्या उसका दिमाग में चल रहा है, क्या उसके पास खूबी है। बस इस वीडियो में था इतना ही। अगर तुम भी कोई इस तरह के फैन आर्ट्स बनाते हो, या फिर किसी और को जानते हो जो फैन आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है, या फिर और कुछ भी कुछ अलग करता है, तो उसका नाम तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम उसके चैनल या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट को विजिट करके देखेंगे कि क्या उसमें खास है, और बस उस पर भी एक वीडियो बन जाएगा। तो बाय।